नमस्कार, पीएड सेकंड ईयर थर्ड पेपर शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन। आज हम लोग हमारे इस थर्ड पेपर के दोहरान कार्य के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व के बारे में जानेंगे कि जो ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है, इन्हें समय सारणी में स्थान दिया जाता है, तो ये क्या महत्व रखती है, क्या विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं कि ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है। पहला है नैतिक प्रशिक्षण। क्या होता है नैतिक प्रशिक्षण? नैतिक प्रशिक्षण से मतलब है नैतिक गुणों का विकास, जैसे कि बड़ों का आदर करना, ठीक है, किसी को सहायता प्रदान करना, है ना, और भी प्रकार के नैतिक गुणों का विकास। अब नैतिक प्रशिक्षण इन क्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार होता है? तो जब इस प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाती है तो विद्यार्थियों से सभी प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कि बैठक व्यवस्था करना, कार्यक्रम का संचालन करना, कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा वो सारी जानकारी रखना, ये सारा कार्य है उन्हें जब करवाया जाता है तो बालकों के अंतर्गत, जैसे कि अब उन्हें पता है कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, तो वो जो मेहमान आते हैं उनको किस प्रकार आदर भाव से बिठाना है, विद्यार्थी हैं उन्हें किस प्रकार से कंट्रोल रखना है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के अंतर्गत नैतिक गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। जब वो ऐसा देखते हैं तब उनके अंतर्गत ये नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। अध्यापक को किसी प्रकार का चैप्टर पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा, सामाजिक प्रशिक्षण। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित की जाती है, वहां पर बहुत सारे समूह को हम विद्यार्थी देखते हैं। इन समूह में किस प्रकार कार्य किया जाता है, जब उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है तो हर प्रकार के कार्य किस प्रकार किए जाते हैं। अब जब विद्यार्थी यहाँ पर इन कार्यों को कर लेता है तो आगे जाकर समाज से जुड़े जब कार्य होते हैं तो वो बालक स्वतः ही जाकर उन कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है। तो लोग देखते हैं और अनुभव करते हैं कि ये बालक है, इतनी जानकारी कैसे है। तो ये पाठ्य सहगामी क्रिया जब आयोजित की जाती है तो विद्यार्थी को सामाजिक प्रशिक्षण भी प्राप्त हो जाता है इनके माध्यम से, क्योंकि तो समाज में भी इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, उनमें सभी अपना अपना कार्य करते हैं। तो जिस प्रकार समाज में कार्य होते हैं उसी प्रकार इन सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत भी जो सहगामी क्रिया आयोजित की जाती है उनमें भी अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं जिनका अनुभव प्राप्त कर विद्यार्थी उस कार्य को करते हैं। फिर है नागरिक प्रशिक्षण। नागरिक प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को एक नागरिक के क्या क्या गुण होते हैं, भाई एक नागरिक को हर प्रकार से भाई हमारे देश से संबंधित, देश से जुड़े जो कार्य होते हैं, देश के हित में जो कार्य होते हैं वो करने होते हैं, और हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसकी रक्षा करना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ठीक है, जो प्रजा है उनको सहयोग देना, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, ये सारे कार्य एक अच्छे नागरिक के होते हैं, ठीक है। अब पाठ्य सहगामी क्रिया जब आयोजित की जाती है तो नागरिकता से संबंधित गुणों का विकास भी विद्यार्थियों के अंतर्गत होता है। वो कैसे कि अब विद्यालय में भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते करते वो अभ्यस्त हो जाते हैं, और आगे भी कहीं जाना हो या फिर किसी भी हमारे देश से संबंधित कार्य को करना हो तब उन्हें वही गुण उनको आगे गलत कार्य करने से रोकते हैं। यानी कि जो नागरिकता का गुण बालकों के अंतर्गत विद्यालय में विकसित हो गया है अब वो वहाँ पर जाकर कार्य करता है, ठीक है, तो नागरिकता प्रशिक्षण। इसके अलावा अगर कहें कि नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की जो भावना होती है, बालकों को यहाँ पर छोटे छोटे कार्य दे दिए जाते हैं और वो छोटे कार्यों को डील करने के अंतर्गत वो क्या करते हैं कि भाई जब उसे मुख्य बना दिया जाता है, किसी को तो अध्यक्ष बनाया जाता है, अब अध्यक्ष का कार्य करते करते उसमें एक लीडरशिप की भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर आगे जाकर वो अगर कहें कि महाविद्यालय के अंतर्गत जाकर एक नेता बनते हैं, उसके बाद फिर आगे जाकर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से नागरिकता गुणों का विकास या नागरिकता का प्रशिक्षण पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर है किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति। किशोरावस्था की आवश्यकताओं की
पूर्ति, किशोरावस्थाओं की आवश्यकता पूर्ति। किशोरावस्था जो कि एक तूफान का काल कहा जाता है, किशोरावस्था के अंतर्गत बालकों की जो ये कहे कि बालकों की जो मानसिकता होती है वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती है, बालकों की जो सोचने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इस समय बालक अगर उन्हें सही राह ना मिले तो वो गलत राह पर चले जाते हैं। अब जब ऐसी पाठ्य सहगामी क्रिया आयोजित की कर दी जाती है तो बालक गलत राह में जा ही नहीं पाते, क्योंकि जब बालकों का जो समय होता है, ये कहें कि जो अवकाश का समय होता है, इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं की तैयारी में चला जाता है, ठीक है। और कक्षा में अगर रिक्त कालांश होते हैं तो वो प्रैक्टिस के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर उन्हें दूसरा कार्य करने या सोचने का समय मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर किशोरावस्था की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जब इन पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के माध्यम से बालकों के अंतर्गत जो छिपी हुई प्रतिभा है वो हमें पता चल जाती है, बालक को अध्यापक है उसी राह पर ले जाते हैं, पेरेंट्स हैं वो भी उसे मोटिवेट करते हैं कि आप इसी राह पर चलो, आपका इसमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, आप आगे जाके और अच्छा करोगे, तो यहाँ पर उसे राह मिल गई है, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से उसकी प्रतिभा का पता उसे स्वयं को लग गया है कि मैं लोगों में प्रशंसा के लायक हूँ। तो यहाँ पर किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फिर है अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग, ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है वो अवकाश का समय होता है, उसमें प्रैक्टिस के लिए या फिर ये कहें कि और भी बहुत सारी तैयारियां होती है उसके लिए समय हो जाता है। और यहाँ पर अवकाश का समय जो होता है वो विद्यार्थियों को फालतू व्यर्थ करने के लिए नहीं होता है, यहाँ पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही या इनके द्वारा ही बालकों के अवकाश के समय का प्रयोग हो जाता है। फिर है अनुशासन स्थापना में सर, अनुशासन स्थापना में सहायक। हम लोग देखते हैं कि जिस चीज में बालक की रुचि है उस कार्य को वो बहुत ही उत्साह के साथ करता है, वहाँ पर वो गलतियाँ भी नहीं करता है, और कोई अगर ऐसी गलतियाँ भी करते हैं तो वो उनके प्रति भी गुस्सा दिखाता है। तो जब ये ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ बालकों की रुचियों पर आधारित जो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ करवाई जाती है तो बालक है स्वयं में अनुशासन में रहते हैं, उन्हें कोई भी अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि अध्यापक खड़ा रहे उन्हें डांटे फटकारे, नहीं, बालक है उन्हें पता है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हम इसे और अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत सारे मेहमान बाहर से आए हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इन क्रियाओं के माध्यम से बालक आत्म अनुशासित रहकर कार्य करता है। फिर है विद्यार्थियों की रुचि का विकास। विद्यार्थियों की रुचि का विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की रुचि का तो पता चल ही जाता है। अब इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक पहले विद्यालय स्तर पर इन क्रियाओं को करता है, फिर वो बाहर समाज से जुड़े कोई कार्य होते हैं वहाँ पर इन गतिविधियों को वो करता है, इसके अलावा फिर वो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, फिर नेशनल लेवल पर वो इन क्रियाओं को करता है। तो बालक की रुचि का पता लगने के बाद धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है। फिर है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक का शारीरिक विकास संभव होता है। बालक है जब इन क्रियाओं को करता है तो उसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो विकास है वो संभव होते हैं। योग, प्राणायाम वगैरह ये जो करवाए जाते हैं विद्यालयों में, इनको भी स्थान दिया जाता है समय सारणी में कि जो रिक्त कालांश, मतलब कि जो जीरो कालांश होता है, शून्य कालांश होता है, उसके अंतर्गत ये सारे शारीरिक खेल कूद है, व्यायाम ये करवाए जाते हैं, इससे कि बालक के शारीरिक विकास को संभव माना गया है। फिर है नेतृत्व की भावना का विकास। नेतृत्व की भावना का विकास, नेतृत्व की भावना का विकास इस प्रकार होता है कि कक्षा में बालक को जब ऐसी क्रियाएं, क्योंकि कक्षा में भी क्रियाएं होती है, कक्षा के बाहर भी होती है, अगर कहें कि विद्यालय में भी होती है, तो अलग अलग तरह से इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का की करवाया जाता है। तो हम विद्यालय की बात करते हैं कक्षा कक्ष की, तो कक्षा के अंतर्गत जब ऐसी क्रियाएँ करवाई जाती है तो किसी एक मॉनिटर, किसी एक को मॉनिटर बनाया जाता है,
ठीक है, कि भी वो पूरी कक्षा का ध्यान रखे। जब उसे मॉनिटर बनाया जाता है तो उसे पूरी क्लास को कंट्रोल करना होता है। यहाँ पर बालक के अंदर नेतृत्व क्षमता का गुण विकसित होता है। उस बालक को देखकर अन्य बालक भी मोटिवेट होते हैं और वो भी इस प्रकार का गुण अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करते हैं। फिर है मनोरंजन प्रदान करना। मनोरंजन प्रदान करना, ये सारी क्रियाएं जो विद्यालय स्तर पर कक्षा के अंतर्गत कक्षा से बाहर करवाई जाती है, ये बालकों की रुचि के आधार पर ही करवाई जाती है। इसीलिए बालक इनमें मनोरंजित होते हैं, पूर्ण मनोरंजन का साधन इसे वो मानते हैं। तो मनोरंजन के आधार पर भी इसके इसके महत्व को हम देख सकते हैं। अब है अंत में आप लोगों को गृह कार्य प्रश्न। ये कुछ बिंदु थे क्योंकि दोहरण कार्य में आपको मैंने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व के बारे में बताया। अब इनके गृह कार्य के रूप में आप लिख कर लाएंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्रियाओं के महत्व को समझाइए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व को समझाइए, ठीक है। ये आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाना है। अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते हैं तो तीन बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।